अस्सलाम वालेकुम उमामा देसी इन्फो के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाऊंगी निकाह की सारी ड्रेसिंग जो के वाइट के कॉम्बिनेशन में थी और ऑफ वाइट वगैरह थी। ये देखे सबसे छोटी की फ्रॉक इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये अभी इससे बड़ी वाली का भी ड्रेस दिखाती हूँ जो कि एक सेपरेट कुर्ती ली थी मैंने, उसके साथ स्टाइलर है मैचिंग का, बिल्कुल ज़बरदस्त था। ये देखें इसका लुक, देखें इसकी बिल्कुल बेस पर इस तरह से सितारी लगी हुई है बारीक सी। ये देखें बारीक सी सितारी के साथ बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग कुर्ती लगती है पहनकर। इसके साथ वाइट कलर का प्लाजो है और ये ऊपर स्टाइलर भी मैं आपको दिखाती हूँ, फूलों वाला बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है जिसके अंदर वाइट टसल्स लेसेस लटकी हुई हैं, मतलब लेस लगी हुई है नीचे पल्लों पर टसल्स वाली, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है पहनकर। इसका कॉम्बिनेशन आपस में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसके बाद बारी आती है दरमियान वाली बेटी की, तो उसके ये मैंने अपने जहेज़ के दुपट्टे में से बनाया है। मेरे एक दुपट्टा रखा होता जहेज़ में, एक ड्रेस था उसका, उसको वाइट कलर का, मैंने कहा चले इसके कॉम्बिनेशन में इसका गाउन बना दिया, ओवर कोट जैसे अपर होता है। ये देखें ये बिल्कुल गाउन बना, सही से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ उसका लुक, लेकिन ये बड़ा प्यारा सा शाइनी सा गाउन बन गया था खूबसूरत से घूम वाला। इसके नीचे वाइट इनर है सारा का सारा और पिंक टाइट्स के साथ भी यूज़ हो जाता है वैसे भी। अब ये मेरे ड्रेस की बारी आ चुकी है, ये ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन में था, ऑफ वाइट था, इस तरह से पैचेस लगे हुए थे ग्रे में कढ़ाई में, इसके भी बेस पर सितारा था, तो मैंने कहा चले सारे आज एक ही तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल सा इसका ग्रे कलर का पैच जो कि बड़ा अच्छा सा लुक देता है, इसको एक हैवी सा टच देता है ड्रेस को। ये मैंने फैशन फ्लेयर से मंगाया था और ये ऑनलाइन मैंने इसको परचेज़ किया था, लेकिन बहुत अच्छा रहा इसको इसकी परचेजिंग ना बड़ी मर्च की। मैंने नेक पर इस तरह से ये स्टोन्स लगा लिए थे कट डालकर, तो वो भी और ज़्यादा खूबसूरत सा एक कम्बिनेशन बन गया था। और इसकी बैक पर भी काफ़ी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी है, दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है, उसके पल्लों पर ज़्यादातर दुपट्टे का टिशू का दुपट्टा है, उसके पल्लों पर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी दुपट्टा इसका मैंने निकाला, इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फुल, वैसे तो बेस इसकी टिशू की है लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगता है इसका दुपट्टा। फुल पल्ले, चौड़े चौड़े से पल्ले, तिल्ले की कढ़ाई है इसके ऊपर और इसके ऊपर अंदर छोटी छोटी सी सितारी लगी है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये इसके साथ दुपट्टा। ये देखें लग रहा है आपको भी प्यारा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। अभी मैं होता है जब हर किसी के दिल धड़क रहे होते हैं, आंखें नम होती हैं कि चलें जी आज हमारी बच्ची हो गई है पराई, और उसके बाद जब ये साइन हो गए तो उसके बाद सब लोग स्पेशली बच्ची की वालदा और उसके वालिद काफ़ी ज़्यादा रोए। वालिद तो थोड़ा अपने आप को संभाल के रखा था लेकिन उसकी वालदा जो है उनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था और बच्ची खुद काफ़ी देर तक रोती रही, क्योंकि ये मनाजिर होते ही ऐसे, ये वक्त होते ही ऐसा है कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा था। ये दूल्हे के मनाजिर जो कि मस्जिद में निकाह हो रहा था, सर पर इतना खूबसूरत पग पहन रखा था माशाल्लाह, दूल्हा राजा ही लग रहा था असल में। मिलते हैं फिर कभी, अल्लाह हाफिज़।